माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हैं एक भाई इधर कबूतर उड़ा रहा था, तो मैंने कहा जरा उसकी वीडियो बना लूं। तो वो भाई भी माशाल्लाह उधर खड़े हैं अपने खोखे में, इनके कबूतर होते हैं। तो ये मसलन तरीके आप देख सकते हो, ये निज़ाम है, इनके कबूतरे हैं बहुत सारे। तो इसमें अभी पूछेंगे इनसे कौन कौन सी नस्ल के हैं, ये सब कुछ ये जिनका कबूतर है मैं इनको आपको दिखा सकता हूँ। ज़रा ये उड़ा कर रहे हैं, अब इन भाई से बात करेंगे हम। चलते हैं भाई से बात करते हैं। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला के फजल रहमत करम शुक्र से मैं आज की वीडियो शुरू करता हूँ। मेरे देखने वाले जहाँ रहे, खुश रहें और आबाद रहें। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल के साथ। जी दोस्तों, आज जी मैं इस रास्ते पे गुजर रहा था तो एक दोस्त माशाल्लाह कबूतर का खोखा उनका पीछे मेरे आपको नज़र आ रहा है, वो इधर पड़ा था। तो बहुत सारे कबूतर भी थे, मुझे अच्छा लग रहा था ये माहौल। तो मैंने कहा भाई से ज़रा बात भी कर लूँ, इनसे पूछूँ ये कबूतर कौन सी नस्ल के होते हैं, इनको कबूतर कितना अरसे का शौक़ है और क्या निज़ाम सिस्टम है। अभी चलते हैं भाई से बात करते हैं। मैंने आपको कबूतर भी दिखा दिए हैं, अभी भाई से बात करेंगे। तो जा रहे हैं अभी उस्ताद से बात करते हैं, जो हर चीज़ का अपना उस्ताद होता है, भी कबूतरों का भी माशाल्लाह ये उस्ताद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? सब ठीक है, तबीयत से ठीक है, क्रियत है, बातों को सही की या उर्दू कठे बोलूँ क्या मसला कहें? उर्दू आवे सही है? उर्दू तो आनी सही है। अच्छा ठीक, माशाल्लाह उस्ताद साहब को उर्दू भी आती है। तो आप देख रहे हो मेरे साथ, बैक कैमरा करो कबूतरों की साइड। तो भाई जान कितने कबूतर हैं आपको माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं सामने। तो ये खोखा है भाई जान का, आपको हम खोखा भी दिखा सकते हैं। तो ये देख सकते हैं खोखा है भाई खोखे के साथ कबूतर अपने अंदर इसमें डालते हैं, तो फिर यहाँ इधर उधर जगह पे जाते हैं तो अपने कबूतर आते हैं। भैया क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है। क्या नाम है भैया? मोहम्मद वकास उर्फ विक्रम। मोहम्मद वकास उर्फ विक्रम, तौसा शरीफ के? माशाल्लाह तौसा शरीफ के रहायशी हैं ये भाईजान। भाईजान ये कबूतर कौन कौन सी नस्लें होती हैं इनकी, मसलन आपको क्या खुराक देते हैं, ये क्या सिस्टम होता है इनका? बस शौक के होते हैं सही जी, इतने कबूतर सब कबूतर सब को प्यारा कबूतर कहना लगता है मोहब्बत तो नहीं है जिवें जी मैं लड़दन सारे साको प्यारा है सही। अच्छा जरा लड़े वो प्यारा है, वो प्यारा लगता है, जरा लड़े जरा वापस वाला कचना मार जी। मतलब तने वफा की थी पर जी, वफा की थी बंदा ठीक वफा करना इन्हें रखना ठीक है। शौक से इन्हें रखती पाएं शौक पासा उदार मसलन कितनी फुट लंबाई तड़ी बनी इन्हें दी कितना टाइम बनता है? 300 फुट से 400 फुट है वेने पराना। अच्छा पकड़ के शाह आवे नहीं पकड़ आवे नहीं थे बस और लगता है थोड़े सामने माशाल्लाह। जरा उदार करके दिखाओ लो अपने दोस्त को। जी दोस्तों अभी देख रहे हैं कबूतर उड़ा रहे दो तो करो जरा कैमरे को। तो भाई जान अभी आप माशाल्लाह आपने देखा, हमने आपको कबूतर दिखा दिया, उस्ताद साहब से भी गप शप कर लिया और माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल था और ज़बरदस्त, उस्ताद से मिलकर बहुत खुशी हुई है। इसी तरह हर किस्म का उस्ताद होता है, इस कबूतरों का भी उस्ताद है। तो माशाल्लाह देखो आसमान पर कितने खूबसूरत लग रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो अभी उस्ताद हम जाने लेते हैं इंशाल्लाह, एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आपका अपना भाई शायद भाई, थैंक यू।